फ्रेंड्स, इस वीडियो पर मैं बात करूंगा आप अपना चैनल के लिए कस्टम यूआरएल को कैसे सेट करें और आप अपना चैनल का कस्टम यूआरएल को कैसे चेंज करें। फ्रेंड्स, 2021 में कुछ चेंज आया है जिसके वजह से कस्टम यूआरएल को कोई चेंज नहीं कर पा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम भी आ रहा है इसको भी हम फिक्स करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सूर्यकांत और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव सूर्य, नाउ इन्फॉर्मेशन सेट योर फिंगर टिप। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप एक कस्टम यूआरएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपका चैनल चार क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। अगर ये चार क्राइटेरिया आपका चैनल फुलफिल कर रहा है तब भी जाके आप एक कस्टम यूआरएल को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चार क्राइटेरिया क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। पहला क्राइटेरिया, आपका चैनल पर 100 और उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए। आपका चैनल 30 डेज यानी 30 दिन पुराना होना चाहिए। आपके चैनल पर एक प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए। और चौथा यानी लास्ट क्राइटेरिया, आपका चैनल पर एक चैनल बैनर अपलोड होना चाहिए, तभी जाके आप एक कस्टम यूआरएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कस्टम यूआरएल सेट करने के लिए पहले आपको अपना पीसी पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना यूट्यूब चैनल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन योर चैनल, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज चैनल बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। ऐसे इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फो में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर एक मिलेगा चैनल यूआरएल, उसके बाद सेट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल, आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका चैनल का नेम जो होगा वो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन में क्लिक होके आ जाएगा। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बालेश्वर टोका, एक्सप्लोरर सूर्य और इन्फॉर्मेटिव सूर्य ब्लॉग, ये तीनों का ऑलरेडी मैं कस्टम यूआरएल लेके रखा हूँ। लेकिन आप जब करोगे, आपका चैनल का नाम जो भी होगा उसी नेम के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं /C और उसके बाद आपका चैनल क्लिक होके आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना है और यहाँ पे इसको कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कस्टम यूआरएल यहां पर सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपना चैनल का कस्टम यूआरएल को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कस्टम यूआरएल सेट करने के बाद कस्टम यूआरएल को कैसे चेंज करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, पहले आपको अपना पीसी में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना यूट्यूब चैनल में लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद ये जो राइट साइड कॉर्नर में आप देख रहे हैं तो इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं योर चैनल है, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज चैनल, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम यूआरएल। तो फ्रेंड्स जो लोगों ने उसको चेंज करना चाहते हैं तो पहले इनको अपना चैनल का नेम जो है यहाँ पर दिखाएगा, तो पहले आपको अपना चैनल नेम यहां पर एडिट कर देना है। तो मान लीजिए मैं यहां पर इसको लिख देता हूं इन्फॉर्मेटिव सूर्य ब्लॉग्स। तो आप देख सकते हैं मैं इसको लिख दिया। उसके बाद आपको इसको पब्लिश कर देना है। चलिए मैं इसको पब्लिश कर दे रहा हूँ। पब्लिश करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और आप देख सकते हैं ये पब्लिश हो चुका है। अभी हम कस्टम यूआरएल को चेंज करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लोरर सूर्या यहाँ पर है, तो मैं लॉन्मर में क्लिक किया। ये एक नया
विंडोज़ में आपको ले गया, इसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं अभी आप लोगों को वही जो दूसरा वाला टैब है इसमें मैं लेके चलता हूं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये एक नया टैब में आपको ले जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको क्लिक कर देना है ये वाला ऑप्शन में। उसके बाद आपको रिमूव में क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिर से दोबारा रिमूव में क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं वही जो दूसरा वाला पेज में आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला टैब पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम यूआरएल ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। तो फ्रेंड्स मैं अभी वेट करता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सेट ए कस्टम यूआरएल का ऑप्शन आ चुका है। तो फ्रेंड्स पुराना वाला कस्टम यूआरएल को हम लोगों ने डिलीट कर चुके हैं, अभी हम यहाँ पर जो सेट कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करके एक नया वाला अप्लाई करेंगे। तो सिंपली मैं इसके ऊपर ये जो सेट है कस्टम यूआरएल इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक किया मेरे सामने तीन ऑप्शन आ गया, बालेश्वर टोका, एक्सप्लोरर सूर्या और इन्फॉर्मेटिव सूर्या ब्लॉग्स वाला। तो मैं ऑलरेडी ये जो ऊपर दो वाला को ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इन्फॉर्मेटिव सूर्या को क्लिक किया और उसके बाद पब्लिश में क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको कन्फर्म कर दिया। लेकिन आप जब नया वाला अप्लाई करोगे आपका चैनल का नाम जो होगा वही ऑटोमेटिकली वहाँ पर आएगा, उसके बाद सेम प्रोसेस में आपको कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर youtube.com/c/informativesuryablog सेट हो चुका है। फ्रेंड्स अभी मैं बात करूंगा जो लोग अपना कस्टम यूआरएल को जो पुराना वाला होता है उसको डिलीट करने के बाद एक नया वाला जैसे ही सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका चैनल का मतलब जो कस्टम यूआरएल सेट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए वो लोगों को क्या करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टैब खोला था और बोला था कि इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ बाद में, तो मैं यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं इफ यू आर एलिजिबल यू कैन क्लेम ए न्यू कस्टम यूआरएल राइट अवे यूजिंग द स्टेप्स टेक ए कपल ऑफ डेज प्रीवियस यूआरएल टू डीएक्टिवेट। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पुराना वाला कस्टम यूआरएल होता है जब आप उसको डिलीट करते हैं तो वो जो कस्टम यूआरएल डिलीट होने में एक कपल ऑफ डेज लगता है, वो मतलब डीएक्टिवेट होने में कपल ऑफ डेज लगता है जब आप अपना चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं और वो जो पुराना वाला कस्टम यूआरएल को डिलीट कर रहे हैं। अगर उस टाइम डिलीट करने के बाद जब आपका नया चैनल के साथ एक नया कस्टम यूआरएल ले रहे हैं, अगर उस टाइम वही पुराना वाला आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आपका चैनल का नाम तो चेंज कर दिए, उसके बाद आप एक दो दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आप क्लेम ए न्यू कस्टम यूआरएल में क्लिक कीजिए, उसके बाद ये वो जो नया वाला चैनल के साथ ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल को सेट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। It's time to prepare.